इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कोजा इमिन सस्पेंशन दवाओं का मिश्रण है जो आम सर्दी के लक्षणों जैसे की बंद नाक नाक बहना आंखों से पानी आना छींकना और कंजेशन या भरापन से प्रभावी रूप से राहत दिलाता है यह गाढ़े बलगम को ढीला करने में मदद करता है जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है इससे हवा को अंदर और बाहर जाने में आसानी होती है यह रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है और तेजी से राहत देता है जो कई घंटों तक रहता है कोजीमिन फोर्ट सस्पेंशन आमतौर पर कुछ ही मिनटों में काम करना शुरू कर देता है और प्रभाव कई घंटों तक रह सकता है इसे डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार लें जब तक आपको अपने डॉक्टर से सलाह न दी जाए तब तक इसका इस्तेमाल बंद न करें इस दवा को लेने से आप अपने लक्षणों को दूर करने वाली चीजों के बारे में ज्यादा चिंता किए बिना अपना जीवन अधिक स्वतंत्र रूप से जीने में सक्षम होते हैं इस दवा को अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें इसे मापने वाले कप से नापें और मुंह से लें इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं कोजीमिन फोर्ड सस्पेंशन भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए कोजाइमिनफोट सस्पेंशन तीन दवाओं का मिश्रण होता है क्लुफेनरेमाइन पैरासिटामॉल और फेनिलिफ्रिन जो सामान्य सर्दी के लक्षणों से राहत दिलाता है क्लुफेनरेमाइन एक एंटी है जो एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना आंख से पानी बहना और छींक आने की स्थिति में आराम पहुंचाता है पैरासीटामॉल एक एनाल यानी कि दर्द निवारक और ज्वनाशक यानी कि बुखार कम करने वाली है यह मस्तिष्क में कुछ रासायनिक संदेशवाहकों की रिहाई को रोकता है जो दर्द और बुखार के लिए ज़िम्मेदार होते हैं फेनिलिफ्रिन एक नेजल डिकोंगेस्टेंट है जो छोटी रक्तवाहिकाओं को संकुचित करता है जिससे नाक में जमाव या जकड़न से राहत मिलती है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल को टर्न ऑन ऑल नोटिफ़िकेशन पर सेट करें धन्यवाद